मैदान में आ गए बेटा। आज की इंफॉर्मेशन वीडियो है, जब गांठ पड़ी तो खैरात बढ़ी, तो खैरात बढ़ रही है। जिस जिस पे बुरा वक्त आया है अल्लाह की तरफ से, बीमारी हो या एक्सीडेंट हो या परेशानी हो, तो उसमें अल्लाह ने बोला हुआ है कि जिसको हमने अमीर बनाया वो गरीबों को खिलाए। तो ये लोग खिला रहे हैं गरीबों को, तो अमीरों ने दिया हुआ है खाने के लिए, गरीब खा रहे हैं। ट्रैफिक ज़ोरदार है, आवाज़ ज़रा कम आएगी, लेकिन यह है कि गुजारा करें। तो ये है भाई सूरत हाल आज जिना गेट की, लगे हुए चौंक, लूट मार का बाजार गरम है। तो तीन तरीके हैं गरीबों को खिलाने के, एक तो ज़कात दो, दूसरा सदका दो, तीसरा खैरात करो। तो किसी ने सवाल किया था कि बिरयानी दे रही है, मुर्गी की बिरयानी है, तो क्या ये सत्य की है? तो हमेशा याद रखें, आवाज़ आ रही है, आवाज़ क्या है ना, थोड़ा कम हो गई, अभी ज़रा डिटेल में बताते हैं। आ जाओ, अभी छोटे हाँ। तो किसी ने ये सवाल किया था कि ये तो चिकन की बिरयानी खिला रहे हैं, सदके की बिरयानी जो है ये सदके की है या खैरात की है? तो देखें, अल्लाह ने जो है ना चिकन की बिरयानी जो भी आप खा रहे हैं ये खैरात की बिरयानी है, सदके की है। सदके का जो होता है ना वो होता है जब इंसान बीमार हो जाता है, तो वो उस जानवर का सदका कर सकते हैं जिसकी कुर्बानी जायज़ है। तो जैसे बकरा हो गया, गाय हो गई, दुम्बा हो गया, ऊँट हो गया, इस टाइप की चीज़ों की कुर्बानी करते हैं। इसका जो गोश होता है अगर उसकी बिरयानी है तो फिर समझ लो ये सदके की बिरयानी और अगर मुर्गी की बिरयानी है तो इसका मतलब यह है कि ये खैरात की बिरयानी है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है सदका खैरात मिक्स हो जाती है, जैसे बिरयानी में जो चावल हैं वो हो गए खैरात किए किसी ने, क्योंकि जिसने बिरयानी में चावल दिए उसने तो खैरात करी ना, क्योंकि सदका तो बिरयानी जानवर का होता है। तो ये हो गया मसला। दूसरा मसला ये आ जाता है कि जब
अगर गाय की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी, ऊँट की, दुम्बे की, इस टाइप के जानवर का सदका होता है तो वो अगर आप करेंगे तो उसका जो गोश्त होगा वो गरीबों में बांटा जाएगा, तो उससे जो भी बीमारी आपके ऊपर आई उससे आपको निजात मिलेगी। अब इसके अंदर भी यही है कि गरीब आदमी थोड़ी सदका दे सकता है, सदका भी अमीर लोग देते हैं, गरीबों का गरीब खाते हैं। अब तो गरीब आदमी को सदका कहाँ से देगा, वो तो खाएगा। तो इसलिए ये सब अमीरों का खेल है, अल्लाह ने रखा ही है। ये सदका जितना भी होता है ये लोग अमीर लोग करते हैं, और खैरात भी अमीर लोग करते हैं, और ज़कात भी अमीर लोग ही देते हैं। गरीब आदमी जो है ना उसमें तो ज़कात होती नहीं है ना, गरीब आदमी खैरात कर सकता है और ना ही सदका कर सकता है और ना ही ज़कात कर सकता है। ये सारा का सारा काम जो है वो करते हैं अमीर लोग, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर चिकन की बिरयानी है तो वो खैरात है, और अगर बिरयानी में बकरे का गोश्त आ गया, गाय का गोश्त आ गया, तो उसके लिए सदका है, क्योंकि जो जानवर अल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया है उसकी बिरयानी बनाई है, तो ये हो गया सदका। तो हमेशा याद रखें, मुर्गी का सदका नहीं होता है। तो अगर मुर्गी का सदका नहीं होता ना मुर्गी की कुर्बानी होती है, तो मुर्गी का ना तो सदका होता है और ना मुर्गी की कुर्बानी होती है, ये दोनों चीज़ें जो हैं नहीं हो सकती। तो सदके के लिए और कुर्बानी के लिए जानवर आपके पास होना चाहिए, ऊँट हो, गाय हो, बकरी हो, दुम्बा हो, इस टाइप के जानवर की कुर्बानी जो होगी वो उसका सदका भी हो सकता है और उसकी कुर्बानी भी हो सकती है। कुर्बानी जो बकरे की 3 दिन होते हैं, उससे पहले भी नहीं हो सकती, उसके बाद भी नहीं हो सकती, उस 3 दिन के अंदर ही अंदर आपको कुर्बानी करनी है। लेकिन सदका आप साल में किसी भी टाइम, क्योंकि आप बीमार जब होता है इंसान तो कभी भी हो सकता है, जब भी बीमार हो तो जब भी बीमार हो तो सदका करे, और जो सदका किसी टाइम भी हो सकता है, और खैरात भी आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब आप पे कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप सदका कर सकते हैं, सदका भी कर सकते हैं और खैरात भी कर सकते हैं। सदका जो है बीमारी का किया जाता है, बीमारी जैसे जिस्म की बीमारी, गुर्दे ख़राब हो गए, दिल का मसला हो गया, तो उसका सदका किया। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया और कोई परेशानी आ गई, तो उस सिलसिले में खैरात की जाती है, और ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात अदा की जाएगी, जिसको अल्लाह ने फैसला दिया तो वो अपने माल में से ज़कात करेगा। तो ये ज़कात का निज़ाम अल्लाह ने कब शुरू किया था? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बोला था, कारून के पास जाओ, उससे बोलो जो दौलत हमने दी है उसको उसमें से वो ज़कात दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए तो वो कहने लगा, फिर कारून कहने लगा मैं तो नहीं दे सकता भाई। फिर उसने सोचा कि चलो यार मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तो चलो थोड़ी बहुत ज़कात दे देते। तो उसने बोला कि अल्लाह से पूछो जाके कि कितनी ज़कात देनी है, तो कहने लगे 1,000 रुपये में से 1 रुपया देना है। तो वो उसने जब घर जाके हिसाब किताब किया तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ी रकम बन गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब आए उसके पास तो कहने लगे भाई ये तो बहुत बड़ी रकम है उसकी। तो कारून रुकर गया, फिर
दोबारा। तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से जाकर कहा कि भाई कारून को बहुत बताया था, वो कहने लगा ये तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम। तो फिर अल्लाह ने कहा कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि उसको बोलना कारून को कि इस पर अब अल्लाह का अज़ाब आएगा क्योंकि इसने ज़कात देने से इनकार किया। तो फिर कारून पे अज़ाब आया, जिस घर में ये रहता था वहाँ जब घर में गया तो वहीं पे इसका ख़जाना था, तो वहाँ पे ज़मीन को हुक्म हुआ खुल जा और ज़मीन खोल दी गई और कारून और उसका ख़जाना अंदर रस्ते चले गए। फिर ज़मीन को हुक्म हुआ बंद हो जा और ज़मीन बंद कर दी गई। तो ये था लगातार ज़कात ना देने वालों को। तो मुसलमानों को तो ज़कात बड़ा, ये 100 रुपये की ज़कात 250 रुपये है, तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है तो फिर इंसान जो है ना ज़कात का इनकार करता है। अब 1 करोड़ की ज़कात कितनी है? 2.5 लाख। 100 करोड़ की ज़कात कितनी है? 2.5 करोड़। 1,000 करोड़ की ज़कात कितनी है? 25 करोड़। तो जैसे जैसे ये रकम बढ़ती जाती है ना तो फिर इंसान जो है ना वो मैदान छोड़ता रहता है और कहता है यार छोड़ो, अब मैं तो 100 करोड़ में बना रहा हूँ, तो 2.5 करोड़ की ज़कात तो बहुत ज़्यादा है और 1,000 करोड़ की तो बहुत ही मुश्किल है, 25 करोड़ कौन देता है 1,000 करोड़ बनाने के लिए। ये मसला है। और चोरी के माल पे और रिश्वत के माल पे ज़कात नहीं है। तो अगर आपका माल चोरी का है या आपने रिश्वत ली है तो उस पर आपको ज़कात नहीं। अल्लाह ने बोला अगर इसने इसको ज़कात दी भी तो उसकी ज़कात जो आखिरत में उसका उसको कोई सज्जन सवाब नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा हम अमरीका में कहते हैं कि भाई चोरी और रिश्वत पे ज़कात नहीं है। तो अगर आपने चोरी कर लिया या ज़कात या रिश्वत लिया या हराम का माल है आपका, उसको ज़कात नहीं है। अगर आप दे भी देंगे तो आखिरत में इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें चीज़ों को समझ में। तो हराम के माल पे, चोरी के माल पे, रिश्वत के माल पे ज़कात नहीं है। तो किसी का भी हराम का माल है, चोरी का माल है, रिश्वत का माल है, तो ये पहली रमज़ान आ रहा है उसको ज़कात नहीं है। तो इसके बदले में उसको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। और यही खैरात का और सदक़े का है कि अगर किसी का माल चोरी का है, रिश्वत का है, हराम का माल है उसका, तो उसको उसमें से भी ज़कात, अगर वो सदका और खैरात भी करेगा या ज़कात भी देगा, कुछ भी कर ले वो, तो उसका जो माल है मरने के बाद उसके अंदर उसको कोई सवाब नहीं। तो ये है इसके मसले में सर। तो दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, सदका भी और खैरात और ज़कात भी, हराम का माल भी, तो रिश्वत का माल भी, चोरी का माल भी। तो ये है इसका तरीका था। तो अच्छा ये लाइन जो है ना अब कम हुई थोड़ी, तो अब ये है कि तेरे को बिरयानी मिली तो मिल गई, अब थोड़े से लोग बचे हैं, तो आई होप कि ये 5-10 मिनट में बिरयानी लोगों को की लाइन ख़त्म हो जाएगी और जिस जिसको बिरयानी मिलनी थी मिल जाएगी। आज ट्रैफिक ज़्यादा है, आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसा भी है इसको गुजारा करें। तो ये तो आज ये एम्बुलेंस आ रही है, ये सायरन बजा रहा है। तो ये है जिना अस्पताल, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जिसके बराबर में पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस, जिसके सामने PDCL का ऑफिस, जिसके सामने FBR का ऑफिस, आगे जाएंगे तो जिना का मेन गेट नजर आएगा और आगे जिसी हाथ में जिधर मैं खड़ा हूँ उल्टे सीधे हाथ पे आगे जाएंगे तो किडनी सेंटर नज़र आएगा। तो अगर किडनी का मसला है तो किडनी सेंटर जाएं,
आय का मसला है तो NICVD आगे इस तरफ से जाए, और अगर कोई और बीमारी है तो वो आप जिला अस्पताल जाए। जिला अस्पताल आगे वाला मिल गया तो उसमें सही करो, और जगह जगह लिखा हुआ है बीमारी का, ये यहाँ पे इलाज होता है बीमारी का, यहाँ पे इलाज होता है, जो भी आपकी बीमारी है तो उसका इलाज वहाँ से करा दें। बड़ी प्यारी बसें आ गई मार्केट में, बहुत प्यारी बसें, गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस का सवारी करें। वैसे ही मोटरसाइकिल में, टू व्हीलर में एक्सीडेंट का चांस होता है, बस में हमेशा याद रखें, ये अमेरिकन रिसर्च है कि बस या ट्रक जो है उसके अंदर आप सेफ हैं, अगर कोई बस को टक्कर मारेगा तो उसको नुकसान होगा, तो मोटरसाइकिल वाला बस के अंदर घुस जाए तो उसको नुकसान होगा, लेकिन बस को कोई नुकसान नहीं होगा, बस में जितनी पैसेंजर बैठे उनके पास जाएगा। इसी तरीके से ट्रक में, ट्रक वाला किसी को टक्कर मारेगा तो नुकसान किसको होगा, जिसको वो मारेगा ना, तो इसलिए टू व्हीलर में ज़्यादा चांस होता है कि एक्सीडेंट होगा तो सबसे ज़्यादा चोट किसको लगेगी, टू व्हीलर को। और अगर गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं तो अभी एक्सीडेंट होगा ट्रक के साथ या बस के साथ तो भी गाड़ी की शामिल आएगी, लेकिन तो इसलिए ये कि ये सवारी जो है ना ख़तरनाक है, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल और गाड़ी, मोटरसाइकिल बहुत ख़तरनाक है टू व्हीलर, तो हमेशा टू व्हीलर में नहीं बैठे ज़्यादा, लेकिन अगर बैठना पड़ जाए अगर आप फोर व्हीलर में नहीं बैठ सकते और थ्री व्हीलर में बैठ सकते तो थ्री व्हीलर इज बेटर दैन टू व्हीलर, और फोर व्हीलर इज बेटर दैन थ्री व्हीलर। ये रिक्शा जो होता है थ्री व्हीलर है या देखिए नीचे, अगर आप देखेंगे सामने रिक्शा खड़ा है ना, इसके तीन पहिए दो पीछे कार के, तो इसका भी पलटने का चांस होता है, लेकिन गाड़ी के जो चार पहिए होते हैं फोर व्हीलर, तो बाइक का बाइक के दो पहिए होते हैं पीछे खड़ी है, उससे आगे रिक्शा खड़ा है तीन पहिए और ये गाड़ी जा रही है चार, तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर, तो 18 व्हीलर भी होते हैं जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनके पहिए जो होते हैं 18 पहिए लगे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं 18 व्हीलर, तो जितने पहिए होंगे उसके हिसाब से फिर ये व्हीलर जो हैं डिसाइड होते हैं, तो इस तरीके से गाड़ी चलती है, तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर 18 व्हीलर, तो इस तरीके से ये व्हील चलते हैं। तो कम से कम ट्रैवलिंग के लिए कितने व्हील चाहिए होते हैं, 2 व्हीलर, उसके बाद रिक्शा मोटरसाइकिल होती है 2 व्हीलर, उसके बाद रिक्शा है 3 व्हीलर, उसके बाद गाड़ी है, कार है, ये देखिए कार खड़ी है ना सामने जा रही है, जिसके चार पहिए 4 व्हीलर, इसके अलावा बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो पोर्ट से चलते हैं जिनमें सामान जाता है, उनके उनको कहते हैं हम 18 व्हीलर, अगर आप उनके पहिए काउंट करोगे तो उसके अंदर लगे होते हैं 18 पहिए, तो ये सारे पहियों का गेम है, 2 पहिए 4 पहिए 3 पहिए 4 पहिए और 18 पहिए, ये वैगन क्या है 4 व्हीलर 4 पहिए लगे, ये वैगन क्या है 4 व्हीलर 4 पहिए, ये बस क्या है 4 व्हीलर 4 पहिए लगे, आप देखिए पहिए देखिए इसके 2 आगे लगे हैं 2 पीछे, बस 4 पहिए है ना, तो ये है 4 व्हीलर, ये रिक्शा जा रहा है 3 व्हीलर, ये बाइक वाला आ गया है 2 व्हीलर, उसके बाद एक बड़ा सा ट्रक होता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान जाता है, वो शिप से सामान उठा के डाल के भेजते हैं, फिर शिप से अगर सामान आ रहा जा रहा है तो उसको कहते हैं 18 व्हीलर, अगर आप उसके पहिए चेक करेंगे तो उसमें 18 पहिए लगेंगे, अब उसके 18 पहिए कैसे लगे होते हैं, वो 4 पहियों के सेट लगे होते हैं, फ्रंट पे 4 लगे होंगे, फिर पीछे 4 लगे होंगे 8 हो गए, फिर 4 लगे होंगे, फिर 4 लगे होंगे तो कितने हो गए 16 हो गए,
बीच में दो पहिए लगे होते हैं, तो इस तरह से 18 पहिए। तो यह कॉम्बिनेशन ऑफ टायर्स क्या है, फ्रंट पे 4, उसके पीछे वाले पोर्शन में 4-8 हुए, उसके बाद 4 फ्रंट पे, 4 बैक पे और 2 पीछे, 10 हो गए। तो इस तरीके से 16 पहिए पूरे गए, 4-4 पहिए लगाएंगे ना, तो 4 पहिए आप लगा रहे हैं तो 16 पहिए हो जाते हैं, 16-18 व्हीलर, और 2 पहिए बीच में तो 18 व्हीलर हो गए। तो इस तरीके से 18 व्हीलर बनते हैं। तो हमारे भाई आ रहे हैं पुलिस वाले, अब ये चोर पकड़ेंगे और फिर उनसे रिश्वत लेंगे, उनको छोड़ेंगे। ये है पाकिस्तान की पुलिस, 6.5 लाख, 6.5 लाख की पुलिस है पाकिस्तान की। तो ये इनके काम है, ये 6.5 लाख सारा दिन यही काम करते हैं। आप चोरी करें, आपको पकड़ के ले जाएगा, फिर आप रिश्वत दें, फिर आपको छोड़ देगा। और दूसरा ये कि आप इसको पुलिस में जाके बता दें कि फला आदमी आपके 1 करोड़ रुपये खा गया, ये वहाँ जाके छापा मारेंगे, उससे पैसे रिकवर करेंगे और खा जाएंगे, आपके पैसे गए और जो आपने बता दिया पुलिस को। तो हमेशा लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये पुलिस वाले छापा मारते हैं, इनको पता कैसे चलता है। तो हमेशा याद रखें कि पुलिस वालों को हम ये जिसके भी पैसे खाओगे ना तो जाके पुलिस को बताएगा, जब पुलिस को बताता है तो पुलिस को पता चल जाता है, तो वो जाते हैं छापा मारते हैं और पैसे रिकवर करते हैं और ये जाओगे। अभी औरंगी टाउन में भी किसी को 2 करोड़ खा गया था किसी के, उनका मार्बल का बिजनेस था, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए उधार, सामान लेते हैं ना, सामान बेचते हैं, 2 करोड़ जमा कर लिए घर में रखा। तो जिसका सामान लेकर खा गए थे, उसने शिकायत करी कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा भाई ये हमारे पैसे खा गया। उन्होंने कहा कैसे खा गया, उन्होंने कहा भाई इसका बिजनेस है, इसको हमने सामान दिया, बेचता रहा और जब अब 2 करोड़ का बिल हो गया है, पैसे दे ही नहीं रहा, कह हमारे पास पैसे ही नहीं। तो पुलिस ने जाके छापा मारा, उसके 2 भाई थे, दोनों को उठाया, पैसे रिकवर किए और पुलिस ले गई अपने साथ। और फिर कहने लगी उन, क्योंकि ये तो चोर थे ना, ये चोरी की थी ना, तो पुलिस ने इनको बोला कि भाई अब ऐसा है कि उसको बताया कि भाई अब तुमने किसी को बोलना नहीं है कुछ भी, क्योंकि अब तुमने अगर किसी को बताया तो फिर ये होगा कि तुम्हारी शामत आएगी, क्योंकि तुम तो चोर हो और चोरों से चोरी हो गई है, चोरों के घर में चोर चोरी कर गए। ये है सूरत हाल, तो ये है कि आप ये लोग खुद ही बताते हैं भाई कोई भी आदमी किसी के पैसे आप खा जाएंगे तो कब तक सबर करेगा, वो तो बताएगा ना, तो ये इसका मसला है। और मैं पहले ही बता चुका अपने काम वाली का केस कि वो गांव में किसी का कत्ल किया था उसके बेटे ने, तो पुलिस वालों ने पहले बताया नहीं अम्मा को कि भाई अम्मा ये जो है ना कत्ल का केस हम छोड़ नहीं सकते, कोर्ट से छूटेगा, तो उसको बताया नहीं, क्योंकि अगर वो बता देते तो उनके पैसे नहीं बनते। तो उन्होंने अम्मा को बोला कि अम्मा पैसे ले आओ, बच्चा हम छोड़ देंगे। तो अम्मा ने अपनी भैंसे में की बकरियाँ बेची, पैसे दियो, बच्चा नहीं छोड़ा। फिर अम्मा के पास ज़मीनें थी, अम्मा ने ज़मीनें बेची, पुलिस को पैसे दिए, बच्चा नहीं। फिर अम्मा ने अपना घर बेचा, पुलिस को पैसे दिए, बच्चा नहीं छूटा। आखिर में जब देख लिया पुलिस वालों ने कि अब अम्मा के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो उन्होंने अम्मा से कहा कि भाई कत्ल का केस है, इसमें हम आपको बच्चे को नहीं छोड़ सकते, तो आपका बच्चा छूटेगा कोर्ट से। तो फिर कोर्ट का एड्रेस दिया, तो कोर्ट में गई अम्मा, तो वहाँ पर वकील मिल गया। तो वकील कहने लगा कि अम्मा आप ऐसा करें, वकील बहुत सारे होते हैं वहाँ, कहने लगे आप ऐसा करें 25 लाख लें, तो 25 लाख आप दे दें हमें, तो हम आपको बच्चे को छुड़ा लें। अम्मा ने इधर उधर से उधार के 25 लाख और दिए लॉयर्स को,
लायर ने खूब केस लड़ा है, खूब केस लड़ा है, फट्टू केस लड़ा है लायर ने, ऐसा तबाह ही बड़ी जान लगा दी कि भाई किसी तरह ये साबित हो जाए कि ये जो है ना ये कतल इस बच्चे ने नहीं किया है। बहरहाल पकड़े गए तो आगे जज ने 5 लाख जुर्माना 7 साल की जेल को, अब बच्चा 7 साल के लिए अंदर गया, 5 लाख अम्मा ने ऑलरेडी इधर उधर से जमा कराए, तो अम्मा जो थी जगह कैसी लड़ी और आखिर में क्या हुआ कि अम्मा को इस दुख में इस दुनिया से चली कि बच्चा गया 7 साल। तो ये है भाई पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान का वकील और पाकिस्तान की कोर्ट्स, तो सब लगे हैं लूटमार में, तो ज़रा होशियारी के साथ रहें, अल्लाह ना करे कि हम पुलिस कहते चढ़ें या लॉयर कहते चढ़ें या जज कहते चढ़ें, तो ये तीनों जो है ना हरामी नस्ल के, तो ये बस जज भी बात दफ़ा ये करते हैं कि आप कहेंगे 20-25 लाख ले लो हमें रिश्वत, तो हम जो है सज़ा कम कर देंगे लेकिन छोड़ नहीं सकते हम, तो ये है कि अगर 3 साल की सज़ा तो 1 साल की कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है अगर आपकी जजों के साथ जान पहचान है, तो जज भी खा जाते 5-10 लाख खा लेगा आपके और ये सज़ा कम कर देगा आपकी, तो ये है निज़ाम। तो पुलिस को देख लिया आपने, लॉयर को देख लिया और आपका कोर्ट सिस्टम जिसमें जजों को देख लिया आप, ये है था। तो बहरहाल कोशिश करें चीज़ों को समझने की, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन वीडियो कर रहा हूँ।